हेलो भाई और बहनों, आज हम आपको रेसिपी चिकन दिखाने जा रहे हैं कैसे बनती है। इसमें आपको चाहिए एवरेस्ट मीट मसाला, नमक, गरम मसाला, हल्दी और 1 किलो चिकन और आधा किलो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का मिक्सचर, थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च और पत्ते इस बार गरम मसाला और काली मिर्ची। इसके बाद ये हमारे मनाऊ भाई आपको चिकन बनाना सिखाएंगे, वो भी इंडियन स्टाइल चिकन। 10 मिनट में चिकन बना कर तैयार कर देंगे ये। आप प्रेशर कुकर में तेल डालिए, तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। ये हमारे मनाऊ भाई जीरा डाल दिया, जीरा थोड़े टाइम भुनेगा। और इसके बाद लाल मिर्च और पत्ता और काली मिर्च के दाने डाल दीजिए और इसको हिलाया जाए। इसको थोड़ा टाइम गर्म होने दीजिए और हिलाइए। और इसके बाद हरी मिर्च और लहसुन का मिक्सचर डाल दिया गया, इसको हिलाते रहिए। आप भी इसमें प्याज डाल दिए जाएंगे, सभी प्याज डाल दिए गए। और इसको कड़की से हलाया जाएगा। आप इसको लाल होने तक भूनते रहिए, इसको लाल होते तक हिलाते रहिए और भूनते रहिए। अब इसमें मुर्गा डाल दिया जाएगा, इसमें मुर्गा डायरेक्ट डाल दिया जाएगा। अभी तक कोई नमक कुछ नहीं डाला, ना हल्दी डाली है ना मसाला डाला है, डायरेक्ट मुर्गा डाला गया है। हमारा स्टाइल डिफरेंट कर गया है, हम डिफरेंट स्टाइल से चिकन बनाते हैं। आपको यूट्यूब में और भी बहुत वीडियो में देखने को मिलेगी, पर ये चिकन बनाने का एक अनोखा ढंग है, ये सिर्फ हमारे मनाऊ भाई कर सकते हैं। इसमें कोई टमाटर नहीं डाला जाएगा, कुछ नहीं डाला जाएगा, जैसे आपको दूसरे चिकनों में मिलता है देखने के लिए। आप नमक आपके स्वाद के अनुसार जितना डालना चाहे डाल सकते हो।
ਡਾਲ ਦੇ ਡਾਲ ਦੇ ਡਾਲ ਦੇ ਹਲਦੀ ਮਸਾਲਾ ਹਲਦੀ ਮਸਾਲਾ ਉਸਮੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਕਰ ਡਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹਲਦੀ ਔਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਕਾ ਪਾਣੀ ਮੇ ਡਾਲ ਕਰ ਇਸਮੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ हल्दी और गर्म मसाला आप डाल सकते हो जितना आपको चाहिए। अब क्या होगा भाई, कुकर को बंद करके आप कुकर को बंद कर कर कितनी सीटी लगवाई जाएगी? तीन सीटी। तीन सीटी लगवाई जाएगी, तीन सीटी से ज़्यादा सीटी नहीं लगवाएंगे आपने। चलो प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। अभी प्रेशर कुकर बंद कर दिया गया और गैस को धीमी कर दी गई। तीन सीटी का इंतज़ार अब होगा। प्रेशर कुकर खुलने जा रहा है और ये हो गया आपका चिकन रेडी। चिकन की स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है इसमें, धनिया हरा धनिया डाला जाएगा और ये हरा धनिया डालकर ये आपका चिकन रेडी। और इसको आप चावल के साथ परोसिए या रोटी के साथ खाइए, ये आपकी मर्जी है।